नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के उरई गांव के चंदन सिंह ने अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को 1000 कंबल और मिठाई बांटा। धार्मिक कार्य करने वाले की समाज में आज भी कमी नहीं है। किसी न किसी तरीके से धार्मिक प्रकृति के लोग ऐसा काम करते रहते हैं। खासकर सर्दियों के सीजन में लोग गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण करते हैं। उमरी के चंदन सिंह ने इसी भावनाओं से प्रेरित होकर पहले 2 दिन तक गांव में मुनादी करवाई और फिर गुरुवार के दिन अपनी 6 वर्षीय पुत्री रियासा के जन्मदिन के अवसर पर 1000 गरीबों को कंबल व मिठाई बांटे। कंबल व मिठाई पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस कार्य के लिए लोगों ने चंदन सिंह की खूब प्रशंसा की। लोगों का कहना था कि पुत्र के लिए तो सभी इतना उत्साह दिखाते हैं, लेकिन पुत्री के लिए कुछ लोग ही करते देखे गए हैं। इस अवसर पर गांव के नंदन सिंह, अभय सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास, मनोज पालीवाल, शिवचरण वर्मा, दिलीप सिंह, वीरेंद्र कुमार साहिल, गांव के अनेक समान गणमान मौजूद रहे। जन्मदिन के उपलक्ष में ये कम्बल गरीबों को, अन्यथा बूढ़े लोगों को वितरित कर रहा जी, विकलांगों को जी। और ये प्रतिवर्ष करते हैं इसी तरीके? हाँ हाँ, प्रतिवर्ष करता रहा हूँ। जो कुछ मतलब कायम हुआ, आज कम्बल बट रहे हैं, कभी साड़ी बटवाई, कभी मीठा बटवाया, कभी कुछ बटवाया। भगवान ने चाहा तो आगे चल के और कुछ आकांक्षाएं पूरी करूंगा। पेश है हमीरपुर से हमारे संवाददाता हरिमाधव मिश्रा की खास रिपोर्ट।